हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं इन बियॉन्ड द टेक्निकल्स विद कुणाल में। आज हम ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 8th जून की बात करेंगे। कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं जिसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, एंड जो ब्रेकआउट है उसके बेस पे एक एक्सपेक्टेशन है कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें 8 जून को इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, हम ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 8th जून की बात करते हैं, एंड उसमें हमने जो पहला स्टॉक लिया है वो है टोरेंट पावर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार्ट भी लगाया हुआ है स्टॉक का, एंड आप देख सकते हो कि पिछले दिनों हमें एक फॉर्मेशन ब्रेकआउट के काउंटर में देखने को मिला है। आप देख सकते हो एक एसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट के काउंटर ने हमें दिखाया है। उसके साथ अगर आप वर्टिकल लाइन में अगर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम भी उस दिन हुआ है, यानी कि जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है वो विथ वॉल्यूम मिला है। एंड उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखेगा आरएसआई। दोस्तों आरएसआई ने भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें दिखाया है। तो जिस हिसाब से अभी मोमेंटम हमें देखने को मिली है उस हिसाब से लग रहा है कि एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर टोरेंट पावर अगर 346 के ऊपर सस्टेन रहता है तो काफी अच्छी मोमेंटम हम स्टॉक में अप टू द लेवल ऑफ 354 देखने को मिलेगी। अगर 354 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक 360 तक भी जा सकता है, एंड उसी लेवल पे अगर सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल 338 का काफी अच्छा सपोर्ट हमें ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यह है पहला स्टॉक टोरेंट पावर। आइए दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एंड दोस्तों दूसरा स्टॉक है वो रामको इंडस्ट्रीज है। दोस्तों रामको इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छी खासी कैंडल हमें स्टॉक ने दिखाई है, एक फिल कैंडल हमें स्टॉक ने दिखाई है, एंड वो भी एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज की भी बात करूँ तो लगातार 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काउंटर पिछले 2 दिन से ट्रेड कर रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग एक अपट्रेंड का मूवमेंट का इंडिकेशन दे रहा है। वॉल्यूम काफी अच्छा हुआ है, आरएसआई सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट। ओवरऑल अगर हम देखें चार्ट वाइज, मूविंग एवरेज वाइज, वॉल्यूम वाइज एंड इंडिकेटर वाइज, तो सारे के सारे इंडिकेशन फिलहाल हमें एक अपसाइड की मूवमेंट का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर रामको इंडस्ट्रीज 135 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला लेवल हमें जो देखने को मिलेगा वह 138.50। अगर 138.50 के ऊपर सस्टेन करता है तो 141.15 भी हमें स्टॉक दिखा सकता है, जबकि लोअर लेवल पे 131.50 का काफी अच्छा सपोर्ट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा स्टॉक रामको इंडस्ट्रीज। आइए हम लास्ट एंड थर्ड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एंड वो है यूबीएल। दोस्तों यूबीएल में भी काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन क्रिएट किया है, अपर बैंड, लोअर बैंड, एंड स्टॉक ने रिसेंट में उसके अपर बैंड जो है उसका ब्रेकआउट हमें दिखाया है। वो भी अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, यानी एक वैलिड ब्रेकआउट स्टॉक ने हमें दिखाया है। एंड मूविंग एवरेज वाइज भी बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार 50 डीएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड उसके बेस पे लग रहा है कि जो ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है उसके बेस पे स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। एंड दोस्तों आरएसआई की भी बात करें तो आरएसआई में भी हमें एक डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ओवरऑल वॉल्यूम वाइज, आरएसआई वाइज एंड फॉर्मेशन वाइज, मूविंग एवरेज वाइज, इस स्टॉक में भी काफी अच्छी मोमेंटम हमें ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 स्टॉक फॉर ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 8 जून 2020। सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ट्यून विद बियॉन्ड द टेक्निकल्स विद कुणाल, सब्सक्राइब आवर चैनल बियॉन्ड द टेक्निकल्स विद कुणाल एंड आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल फॉर डेली चार्ट अपडेट्स एंड मोर। थैंक यू।